I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards in the scam. तो यार कुछ दिनों पहले हमारे गेम में एक इवेंट आया था जिसमें ग्लिच चल रहा था कि हम जितने का भी स्पिन करेंगे, जैसे हमने 200 का स्पिन किया डायमंड का, तो वो 200-400 डायमंड में बदल जाएंगे। मतलब वो ये है कि बेसिकली हमारे डायमंड डबल हो रहे थे हर स्पिन पे। तो उसमें महापुरुष जो हमारे गेम में बहुत सारे हैं फ्री फायर के, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारा ग्लिच चल रहा था उसमें डबल डायमंड वाला, उसमें भर भर के स्पिन किया, इतना पूरा योगदान दिया, पूरी मेहनत लगा दी अपने डायमंड बढ़ाने में। तो इनके आईडी में पहले 4-5 हज़ार डायमंड भी नहीं होते थे, लेकिन इस ग्लिच के बाद उनकी आईडी में वो 5-6 लाख डायमंड से खेल रहे हैं। तो अगर तुम्हारे दोस्त ने भी कुछ गिफ्ट भेजा है तुम्हें तो फिर समझ जाना भाई। तो अब बात करते हैं कि गरीना वाले क्या करेंगे तुम्हारी आईडी के साथ, जो तुम जिन्होंने भी अपने डायमंड डबल किए हैं या इंक्रीज़ किए हैं इस ग्लिच की वजह से। तो बस एक ही आंसर है इसका कि गरीना वाले तुम्हारी आईडी को पेलेंगे, आज नहीं तो कल पेलेंगे ही पेलेंगे। क्योंकि ऐसे ही सीन एक बार पाकिस्तान सर्वर में भी हुआ था, और उनकी आईडी में अब तुम अगर इंस्पेक्ट करोगे तो 30 दिन से कोई ऑनलाइन ही नहीं है इसका मतलब, तो समझ रहे हो ना तुम। और जिन भी प्लेयरों ने ये ग्लिच यूज़ किया है, अपने डायमंड इंक्रीज़ किए हैं, तो मैं बस तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि तुमने क्या सोच के ग्लिच यूज़ किया, कि ये न्यू ईयर का गिफ्ट दे रहे हैं गरीना वाले कि डायमंड अपने डबल करो, कितने भी डायमंड ले सकते हो तो लेके दिखाओ तुम। मतलब एक हद होती है भाई, तुम्हें पता है कि तुम्हारी आईडी के साथ कुछ ना कुछ होने ही है इस ग्लिच को यूज़ करने के बाद, फिर भी तुम्हें तो डायमंड अपने डबल कराने हैं जितने भी वो गंदी सबको मैक्स करके। और तुमने नोटिस किया होगा कि कोई भी जब तुम्हारे ग्रुप में आते हैं, आजकल ग्रुप में आजकल आते हैं, उनके पास मैक्स ईवो गन तो होती ही होती है। मैक्स ईवो गन का पहले तो इमोट दिखाएंगे, क्योंकि बेटा का जो टॉप वाला बंडल है वो निकाल के मैक्स ईवो गन का जो इमोट दिखाते, तो बस ये वही बंदे हैं जिन्होंने एक ग्लिच यूज़ करके डायमंड डबल किए अपने। और अगर तुमने भी एक ग्लिच यूज़ करके डायमंड डबल किए अपने, तो तुम्हें भी अब नई आईडी बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि या तो गरीना वाले डायमंड रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे या फिर तुम्हारी आईडी बैन ही हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो यही है कि तुम नई आईडी बनाओ, उसमें खेलो। अब तुम्हारी आईडी का कुछ नहीं हो सकता, या तो तुम्हारी आईडी गरीना वाले बैन कर देंगे या फिर उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपनी नई आईडी बनाओ, उसमें खेलो।